भाभी ये आपके देवर की तरफ से मुंह दिखाई। वैसे भाभी आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं वैसे आपसे मिलने आ गया? दरअसल ये आपसे मुलाकात करने का ये बहाना था। एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि दुल्हन के रूम में किस तरह जाया जाता है। यू नो आखिर में मेरी भी तो शादी होगी। अरे अरे तुमने हंस दिया, यानी कि मेरे अंदर आने का बुरा नहीं माना, राइट? वैसे भाभी आज के बाद हमारे फैमिली मेंबर में एक ऐसा मेंबर आ गया है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ, खूबसूरत लड़कियों के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे देश में भाभी उसे ऐसा ही काम लिया जाता है। कोई पसंद आ गई है क्या? हाँ भाभी, नहीं नहीं वो मुझे पसंद नहीं आई, मैं उसे पसंद आ गया, वो मुझसे शादी करना चाहती है। मुझे तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं शादी करने की। भाभी यू नो मेरा नेचर, लड़कियों से तो हमेशा दूर रहता हूँ, और खास करके उस लड़की से मेरे नाक में दम कर रखा है, हमेशा देखो बस पीछे पड़ी रहती है। अब थोड़े दिन पहले की बात है, अब क्या बताऊं भाभी जान, बताओ ना क्या हुआ? अरे हाथ पकड़ लिया मेरा, खींच लिया मुझे, अपने बाहों में लपेट लिया। क्या बड़ी बेशरम लड़की है, फिर तुमने क्या किया? एक हाथ मारा, सारी बत्ती थी हाथ में दे दी उसकी। अच्छा किया, ऐसी हरकत करने वालों को तो थप्पड़ ही पड़ना चाहिए। और क्या? अच्छा भाभी भैया के बारे में आपको मैंने बताया नहीं। प्रेम? वैसे भैया बड़े ही खड़ूस। सुहागरात तो मेरी है, ये अंदर क्या कर रहा? दिल के बड़े साफ है। हाँ और ये भैया को लड़कियों के बारे में जिक्र मत करना। ये नमस्ते, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बैठा हुआ और अपनी भाभी से बातें कर रहा हूँ, है ना? वेरी गुड, ठीक है अभी चल। कहाँ चलू? अरे यार क्या कर रहे, तुम जाओ, देखो प्राइवेट किस्म की बातें चल रही, यू नो टॉप लेवल की बातें, तुम जाओ। हाँ तुम्हारी टॉप लेवल की प्राइवेट बातें सब जानता हूँ, चल। अरे थोड़ी देर तो बात करें, भाई थोड़ी देर तो बात करें, देख 15 मिनट बात करूंगा, तू सवा घंटे बाद आ जा। तू समझता नहीं है प्रेम, वैसे भी टाइम खराब चल रहा है, दिन बड़े और रातें छोटी चल रही है। अरे काहे का दिन बड़े, मेरे तो पूरी जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है, तू अपनी बातें करे जा रहा है यार। बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। सीरियस? हाँ। अरे तुझसे से ज्यादा मैटर मेरा सीरियस है, जाना। स्टैचू बेवकूफ समझ रखा है, पागल समझ रखा है, अपने आपको समझता क्या है? एक हाथ में गुलाब का फूल क्या आ गया, अपने आपको अकबर बादशाह समझता है? इस रूम में कोई अकलमंद नहीं है सिवाय मेरे और भाभी के। भाभी हम कहाँ थे? इस रूम में। हाँ ओहो रूम नहीं, वो लड़की के टॉपिक पर। हाँ तो भाभी जो काम उसने मेरे साथ किया वो लड़की ने, वही काम अगर मैं उसके साथ करूं और उसके बदले में वो मुझे दो थप्पड़ मारे तो? अच्छा तो ऐसे क्यों नहीं कहते, जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है और मार भी तुम्हें पड़ी है ना? ये सच है भाभी। तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा? अरे उस थप्पड़ की वजह से तो मुझे उससे प्यार हो गया, अब वो मुझे नहीं प्यार करती तो मैं क्या करूं? अब न जाने वो एक थप्पड़ मार के कहां गायब हो गई है। अरे गायब हो गई है तो ढूंढो उसे। अब इतने बड़े शहर में एक छोटी सी जान को कहां ढूंढूं? कम माल है, तुम्हारे भैया तो मुझे ढूंढते ढूंढते आसमान तक पहुंच गए थे और तुम एक लड़की को नहीं ढूंढ सकते? मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। अब रात बहुत हो गई है, आप थक गई होंगी, सो जाइए, शुभ रात्रि, बाय बाय, बाय बाय, शुभ रात्रि। अब आपने मुझे बुलाया भाभी? हाँ ये अकबर भैया है, बोल रहा हूँ।